हेलो एवरीवन, मेरा नाम एसके मौर्या है एंड बाय प्रोफेशन मैं डिजाइन इंजीनियर हूँ। और ऑटोकैड की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं ऑटोकैड पार्ट 13 के बारे में, जहाँ पे हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन मेन्यू का एक ऑप्शन है पब्लिश। पब्लिश में फर्स्ट ऑप्शन जो आता है सेंड टू 3D प्रिंट सर्विस। तो हम 3D प्रिंटिंग सर्विस के बारे में आज हम जानेंगे किस तरीके से हम ऑटोकैड का यूज करके एक 3D प्रिंटिंग हम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ फिगर्स मैंने अटैच किया हुआ है। आप देखिए एफिल टावर है, उसके यहाँ पे 3D प्रिंटिंग चल रही है। 3D प्रिंटिंग सेंस मतलब एक मशीन होती है जहाँ पे हॉटेड प्लास्टिक्स होता है, जो कि यहाँ पे इसके नोजल के थ्रू बाहर निकलता रहता है। और इस मशीन में प्रोग्रामिंग होती है जिसके थ्रू ये जो हम मॉडल लैपटॉप में बनाए रहते हैं या फिर पीसी में बनाए रहते हैं, 3D प्रिंट बनाए रहते हैं, वो उसके वैसा ही पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनके रेडी हो जाता है। अभी आप देखिए यहाँ पे कार रखी हुई है, ये फिर 3D प्रिंटिंग है, ये प्लास्टिक्स की है। फिर उसको हम प्लास्टिक्स नहीं बोलते हैं, जो भी मटेरियल होता है उसका कुछ अलग नाम है, वो आप गूगल में देख सकते हैं। तो हालांकि वो प्लास्टिक्स के तरह ही रहता है। तो उसके थ्रू जो भी हम अपने पीसी में बनाए रहते हैं उसको हूबहू हम अगर वो महसूस करना चाहे, फील करना चाहे, तो उसको हम 3D प्रिंटिंग मशीन के थ्रू हम उसको बना भी सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है 3D प्रिंटिंग से, कि जो भी हमने मॉडल्स बनाए हुए हैं अपने पीसी में, ठीक है, अगर उसको हम देखना चाहते हैं कि एक्चुअल दिखता कैसा है, डायमेंशंस उसके ओके हैं नॉट ओके हैं, यानी उसी पर्पस के लिए हम ये 3D प्रिंटिंग करते हैं। और उसके थ्रू हम उसका एक्यूरेट डायमेंशन भी मेजर कर सकते हैं। अगर कोई फॉल्ट रहा, अगर डायमेंशन नॉट ओके रहे, तो उसको हम वापस करेक्शन कर सकते हैं। तो 3D प्रिंटिंग का आजकल की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो 3D प्रिंटिंग क्या होता है? 3D प्रिंटिंग ऑल्सो नोन एज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इज ए मेथड ऑफ क्रिएटिंग ए 3D ऑब्जेक्ट लेयर बाई लेयर यूजिंग ए कंप्यूटर क्रिएटेड डिजाइन। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे लेयर बाय लेयर ये बनता है। पहले स्टार्टिंग यहाँ से होती है, फिर धीरे 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 करके वो ऐड होते जाते हैं मटेरियल, और ये पूरा का पूरा बनता जाता है ना। तो उसकी ही बात कर रहे हैं, जो भी हमारे 3D ऑब्जेक्ट होते हैं वो लेयर बाय लेयर बनते जाते हैं। 3D प्रिंटिंग की एडिटिव प्रोसेस वेयर लेयर ऑफ मटेरियल आर बिल्ट अप टू क्रिएट ए 3D पार्ट। ओके, तो आपको इस डिस्कशन के थ्रू पूरा पता चल गया होगा कि 3D प्रिंटिंग क्या होती है। ठीक है, तो जब हम ऑटोकैड में जाते हैं, ऑटोकैड में मान लीजिए कोई पार्ट्स हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, एक नॉर्मल पार्ट्स मैंने बनाया है, और उसको हमें 3D प्रिंटिंग करना होता है। हमको ये देखना है कि ये जो हमने बनाया है कंप्यूटर में वो एक्चुअल में दिखता कैसा है, और क्या उसके डायमेंशन ओके हैं नॉट ओके हैं, कैसे रहेंगे, तो हम यहाँ पे इसको भी देख सकते हैं। तो 3D प्रिंटिंग के लिए आपको एप्लीकेशन मेनू में क्लिक करना पड़ेगा। जब वहाँ पे जाते हैं तो पब्लिश में जाते हैं। पब्लिश में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है सेंड टू 3D प्रिंट सर्विस। इसके ऊपर आप अगर ओके करते हैं, क्लिक करते हैं, तो आपको इस तरीके से ऑप्शंस देखने को आएगा। तो लर्न अबाउट अगर आप जानना चाहते हैं कि ये क्या होता है 3D प्रिंटिंग, तो आप यहाँ पे क्लिक करते हो। जब क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को वहाँ पे मिल जाएगा। ये पूरा इन्फॉर्मेशन रहता है कि हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे उसने लिखा है कि प्रिपेयर योर 3D मॉडल। 3D मॉडल को पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा, हम वहीं पे देख लेते हैं। तो नेट ना होने की वजह से वो ऑप्शन आया था। तो सेंड टू 3D प्रिंट सर्विस आप क्लिक करते हो, तो आपको यहाँ पे पूछता है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हो या फिर इसके बारे में जानना चाहते हो। तो आप यहाँ पे क्लिक करते हो, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन पूरी ओपन होके आती है ऑटोडेस्क के तरफ से। तो वहाँ पे आप पूरे पूरे स्टेप बाय स्टेप आप वहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो भी आप देखेंगे यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप मॉडल तैयार करते हो अपने पीसी में, कंप्यूटर में। सेलेक्ट द 3D सॉलिड यू वांट टू प्रिंट। अगर आपने उसमें से कोई सभी को करना है तो सभी कर सकते हैं, अगर उसमें से कोई एक चूज कर सकते हैं। सेव योर ड्राइंग एसटीएल फाइल। आपको एसटीएल फाइल की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप जो DWG फाइल है आप उसको एसटीएल फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बनाया है।
सेलेक्ट ए सर्विस प्रोवाइडर जो 3D प्रिंटिंग करते हैं, इनके पास मशीनें 3D प्रिंटिंग करते हैं, क्योंकि मशीनें काफ़ी महंगी आती हैं, 3 लाख 4 लाख के ऊपर की भी मशीनें आती हैं जो अच्छी रहती है क्वालिटी में। तो आप किसको देना चाहते हो उसको सिलेक्ट करिए और उसी फाइल को हम आपको सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बस नॉर्मल सा प्रोसीजर है, इसको फॉलो करते हैं। और आप जो वेंडर है उसको आप कर सेंड कर देते हो तो वो बना के आपको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो फिर से हमें वही प्रोसेस करने पड़ेंगे, पब्लिश में जाके हम यहाँ पे सेंड टू 3D प्रिंट सर्विस करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होने के बाद कुछ इस तरीके से आपको डायलॉग बॉक्स देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं ओके। और वो बात पूछ रहा है कि कहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो मैं डेस्कटॉप पे डीजेन करके फोल्डर है उसमें मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट जो है .stl फाइल में वो सेव हो चुका है। अब उसी फाइल को हम चाहे तो सर्विस प्रोवाइडर को सेंड कर देंगे, सर्विस प्रोवाइडर हमको पूरा जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको वो बना के सेंड कर देगा, ठीक है। तो चलिए हम इस पे देख लेते हैं, डेस्कटॉप पे देख लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये 3D ऑब्जेक्ट करके आया हुआ है, ये हमारा वो फाइल है जिसे हमें 3D प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे इसी प्रॉपर्टी में आप जाते हो, प्रॉपर्टी में जाने के बाद आप देखते हो तो कुछ इस तरीके से प्रिंट 3D करके यहाँ पे आ गया है। इस तरीके से आप डायलॉग बॉक्स ओपन होकर पूरा डिटेल आ जाता है, ठीक है। ओके तो फ्रेंड्स अभी ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। और इस वीडियो में आपने देखा किस तरीके से हम 3D प्रिंटिंग करके हम अपने जो भी हम पार्ट बना रहे हैं उसको काफी अच्छा एडवांटेज ले सकते हैं, कोई जिससे कि कोई हमें मिस्टेक ना हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।